Welcome back to my YouTube channel. So first of all, I have a lot of things to say which I'll say later in the video, but right now I'm standing inside the Jama Masjid, which is very popular, one of the heritage of our country and a very proud monument also. So today I'll tell you the five facts about Jama Masjid, and here we start with the first one. Do you know the meaning of Jama? So humne naam to sun lete hain, but uske peeche kabhi jante nahi hai. So Jama means Friday. So basically Jumme ka din to humne kafi gaana bhi suna hai. So Muslims, most of the Muslims come on Friday and pray in the mosque. That's what's known as Jama Masjid, Friday Mosque. That was the fact number one. I'll tell you the second one while showing you around. So hum abhi, we are just finding way. Hume dekha tower ticket milta hai. So we have bought a ticket of 50 rupees, which you can get it from inside the premises only. Tower ticket karke counter hai. So I'm going inside the tower. Let's go. Largest mosque. Why? Because within this courtyard only 25,000 people can sit and pray to the God, and in the whole mosque 85,000 people can stand and pray. That is like whole lot of number. So that is why it is one of the largest mosque in our country. Let's move towards the tower and let's see the beauty. So now we are moving towards the tower. And where's the tower? It's in here. And we're moving towards the top. And I'm very, very excited to be there. The complete awesome experience. Come on. Let's go. इधर की साइड भी और इधर की साइड भी है. हुआ कोई सीक्रेट रास्ता. बाय द वे, द थर्ड फैक्ट इज जो मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था आप लोगों को, बट आई वाज लाइक भारत. इट इज मेड बाय शाहजहां इन द ईयर 1644 एंड इट टुक 5000 वर्कर्स टू बिल्ड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, व्हिच इज अ लॉट ऑफ नंबर टू मेक अ बिल्डिंग. That was fact number 3 for you. So finally, we are entering towards the tower to reach to the highest part of this monument. What a small gateway is this. Let's go. यहाँ का जो सीढ़ी चढ़ने का है, इट्स वेरी नैरो, और यही है बाहर निकलने का भी अंदर आने का भी. तो हम बहुत चांस में तो यू बम टू पीपल, सो डोंट कैरी हैवी बैग्स विथ यू. सो फाइनली वी मेड इट टू द टॉप ऑफ द टावर. दैट्स एग्जॉस्टिंग. This is the lower part of the mosque.
वहाँ से पूरा सिटी दिख रहा है ऑलमोस्ट, जितना विजिबल है। यहाँ से पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी और अगर कहीं यहाँ से गिरा नीचे तो वो तो गया। Mosque has been attacked twice, in 2006 and 2010. In 2006 it has been attacked by bomb explosion and in 2010 it has been attacked by open firing. So it's sad कि यहाँ पे जो हमारे पास इंडियन हेरिटेज है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, फॉरनर्स आते हैं, यहाँ पे लोग अटैक करके दे जस्ट किल द हेरिटेज एंड किल द पीपल, आर वेरी सैड। दिखेगा? हाँ दिख रहा है। यहाँ पे मैं बैठ के चल आउट कर रही हूँ एंड देयर वाज अंकल सिटिंग ओवर देयर इन पिंक शर्ट एंड ही वाज टेकिंग सेल्फी इतने क्यूटली ऐसे से करके, देन ही डिड अ वीडियो कॉल टू हिज वाइफ एंड बट इट वाज हवाई फोन लिया वो पूरा दिखा रहे थे ऐसे से करके, दैट वाज लाइक सो क्यूट। प्लस मैं यहाँ बैठ के ना पूरा लाल किला मैं साफ देख सकती हूँ, आई कैन गेट द व्यू ऑफ होल कोर्टयार्ड। और यहाँ पे जो पानी है बेसिकली यहाँ पे लोग आते हैं अपना पैर धोते हैं उसके बाद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए आगे। And the view is nice. अभी बहुत सारे टूर अट्रैक्शन है, प्लस लोग मुझे बहुत ही वियर्ड लुक्स दे रहे हैं बिकॉज आई एम टॉकिंग टू द कैमरा एंड दैट गाय इन ब्लू जैकेट ही वाज गिविंग मी अ वेरी वियर्ड लुक, सो आई एम एंजॉयिंग राइट नाउ। देन हम जाएंगे और यहाँ पे चांदनी चौक आए तो खा के नहीं जाएंगे तो नहीं बनता है, दैट फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई जस्ट एंजॉय मोर, आई विल गो थ्रू द प्लेसेस एंड वॉट कहते हैं पढ़ने वाले क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, उसके बाद विल गो एंड ईट। तो चलो देखा बारी शांति से। सो मैं एक हिंदू हूँ बट मुझे हर रिलीजन में लोग कैसे प्रे करते हैं उनका क्या सेंटिमेंट होता है जानने में बहुत क्यूरियोसिटी होती है। सो इट्स अमेजिंग दैट दे लेट वुमेन कम नाउ नॉन मुस्लिम पीपल सो दैट वी कैन सी वी कैन चेरिश देयर रिलीजन ऑल्सो वी कैन नो अबाउट देयर रिलीजन ऑल्सो वी कैन रिस्पेक्ट इन दिस। दैट वॉज द फाइनल फैक्ट फ्रॉम माई साइड। So if you have any more facts about this place or amazing interesting stories, I will request you to please write it on comment section and please let me know also and other people ki aur bhi kya kya khas baatein hain is jagah ki and uski aur kya kahaniyan hain, ho sakta hai mujhe bahut kuch nahi pata aur aapse pata chal le. So do write in the comment section your views, your opinions, your stories, your facts and your experience in this mosque. And so now I'm ending this vlog with this amazing experience I had. So a lot of people, there was this uncle. ठीक है, मैंने उनको बहुत परेशान किया पिक्चर लेने के लिए. और अपनी एक मेरी स्टोरी है. So I have my experience. You tell me yours. And I'm done with the day. I'm going to eat. And thank you for watching. If you like the video, do not forget to subscribe my channel, like it and share it because from your love and support, I'll continue my YouTube and do what I love to do it. So thank you and bye-bye.